नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नजमा अब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। लालबर्रा एनसीसी क्रिकेट क्लब जाम में नरसिंहपुर टीम ने फाइनल किया अपने नाम। लालबर्रा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी ग्राम पंचायत जाम में 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 11 दिवसीय मैच का समापन हुआ। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम जाम के क्रिकेट समिति के सदस्य एवं डॉक्टर कपिल लिल्हरे ने बताया कि टूर्नामेंट में अन्य राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं सम्मान समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हीना कावरे, अध्यक्ष मौसम हरिन खेड़े, विशिष्ट अतिथि अशोक सिंह सरस्वार, शेषराम रहंगडाले, समाज सेवी विशेष अतिथि झामसिंह नांगेश्वर, डुलेंद्र ठाकरे, श्रीमती आशा युवराज ठाकरेले, सरपंच जाम कैलाश अग्रवाल, भवराम गणेश्वर, शैलेश सोनी, वहीं आयोजन समिति अध्यक्ष सत्येंद्र दमाहे, सचिव सत्यनारायण श्रीवास व टूर्नामेंट संयोजक जाहिर खान तथा आयोजन प्रभारी योगेश लिल्हारे, देवराज ठाकरेले सहित अन्य सभी खेल प्रेमियों की उपस्थिति में फाइनल मैच का समापन हुआ। जानकारी देते हुए ग्राम जाम के डॉक्टर कपिल लिल्हारे ने बताया कि पहला मैच भिलाई व नरसिंहपुर के मध्य खेला गया, जिसमें नरसिंहपुर की टीम विजय घोषित हुई। फिर नागपुर व नरसिंहपुर के मध्य 8 ओवर का मैच हुआ, जिसमें नरसिंहपुर की टीम विजय घोषित हुई। उसके बाद आखिरी मैच नरसिंहपुर और नागपुर के मध्य 2 ओवर का अंतिम मैच हुआ, जिसमें नरसिंहपुर की टीम विजय घोषित कर फाइनल मैच अपने नाम कर प्रथम पुरस्कार ₹71,000 व शील्ड हासिल किया। नागपुर उप विजेता रही, जो दूसरा पुरस्कार ₹35,000 व शील्ड हासिल की, जिसमें मैन ऑफ द मैच साहिर खान नागपुर लवेश टोनू को दिया गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लालबर्रा से शरद धानेश्वर के साथ लकेश पंचेश्वर की रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।